Hello friends, तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का एग्जाम्पल, जिसमें कि हम लोग एग्जाम्पल नंबर 33 के पहले वीडियो में देख चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पे जाके सारा वीडियो देख सकते हैं ट्रायंगल्स का। तो एग्जाम्पल 14 आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 एनसीईआरटी का है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ इज एन पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल एबीसीडी इन फिगर, प्रूव दैट OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो देखिए। फिगर दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, कोई भी एबीसीडी कोई एक रेक्टेंगल है और उसका डायगोनल है AC और BD जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। पॉइंट O से इंटरसेक्ट करता हुआ, पॉइंट O से पास करता हुआ जा रहा है BD और AC, इसलिए बोलेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे एक दूसरे को। यहाँ पे मिल रहा है O पॉइंट पे दोनों, इसलिए बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे AC और BD जो डायगोनल है ट्रायंगल ABCD का। ओके, तो हम लोग को जब ये गिवन है तो हम लोग को प्रूफ करना है क्या कि OB का स्क्वायर, मतलब ये OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। यही हम लोग को क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने से पहले हम लोग चाहिए गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ। ठीक, तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे जो भी न्यू अपडेट्स हो उसका वो आपको मिलते रहे। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन। गिवन हम लोग क्या है, गिवन क्या क्वेश्चन में तो दिया है और हम लोग को लिखना है अ ट्रायंगल, अ रेक्टेंगल, सॉरी फिगर बना रहे, मतलब शॉर्टकट मार रहे, शॉर्टकट नहीं मारना है। गिवन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच, ए बी सी डी रेक्टेंगल क्या है, इन विच ए सी एंड बी डी AC and BD intersect each other at point O. Intersect each other at point O. क्वेश्चन में तो खाली दिया है कि O कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, तो उससे डायगोनल्स तो एक दूसरे को क्रॉस करेगा ही ना करेगा। अब देखिए इसमें हम लोग को इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें ना हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और रेक्टेंगल में सब सारा साइड उसका 90 डिग्री होता है, हम लोग मालूम ही है। अगर किसी भी तरह से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ला दें जिससे कि इसमें दो ट्रायंगल है बढ़ जाए और हम लोग को ओबी का स्क्वायर और ओडी का स्क्वायर चाहिए, तो ओबी का स्क्वायर और ओडी का स्क्वायर या फिर ओए का स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को उस पर पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना होगा और हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में 90 डिग्री होना जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट ओ से पास करता हुआ जाएगा और ये पॉइंट पी होगा और ये पॉइंट क्यू होगा जो कि किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। ऐसा हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बीसी के पैरेलल होगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए फिगर में वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ क्या किए, क्या ड्रॉ किए हैं, तो ड्रॉ
draw a line PQ parallel to BC from the point O such that P is a point. P and Q is a point. ऊपर क्वेश्चन लिस्ट कर दें नीचे का तो बढ़िया तो ऊपर क्वेश्चन लिस्ट कर देते हैं ठीक है. PQ P and Q is a point on sides क्या लिखेंगे किसके साइड में एक AB साइड में और एक DC साइड में तो हम लिखेंगे क्या on sides AB and DC respectively. यहाँ पे respectively का मतलब क्या हो गया जानती होंगे आप लोग वैसे तो एक AB के मतलब respectively से मतलब हो गया P पॉइंट है AB के पास और Q पॉइंट है DC के तरफ इसको लोग लास्ट में respectively लिख देते हैं अगर कोई पॉइंट को साथ में लिखते हैं तो ये हो गया गिवन हो गया टुकड़ों हो गया कंस्ट्रक्शन हो गया. अब हम लोग देखना है प्रूफ कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे इसको जो हमको प्रूफ करना है वो हम साइड में लिख लेते डब्बा ताकि हम इसको इरेज भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं हो. अब इसको पूरा बोर्ड को इरेज कर देते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं बढ़िया तब देखिए देखते हैं इसका प्रूफ. इसके पहले आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे नोट नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को बैक करके आप लोग वापस से देख सकते हैं नोट कर सकते हैं. तो अब इसका प्रूफ देखेंगे. तो सबसे पहले आप लोग एक चीज किए थे अभी एक कंस्ट्रक्शन किए थे क्या क्यू पी क्यू को पैरेलल बनाए थे बीसी के. तो अगर यहाँ देखिए अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो क्या पी क्यू एडी के भी पैरेलल नहीं होगा क्यों. तो पी क्यू क्या बीसी के पैरेलल है अगर पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो पी क्यू क्या होगा एडी के भी पैरेलल हो. हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू बी सी PQ parallel to BC कहाँ से है तो लोग कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किए थे कि PQ क्या है BC के पैरेलल है ये लोग ड्रॉ किए थे. और अगर PQ BC के पैरेलल है तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा क्योंकि रेक्टेंगल का साइड्स में क्या 90 डिग्री होता है लोग जानते ही हैं. और इसके पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का बनाएगा क्यों क्योंकि यह लाइन जो है यहाँ पे क्या कर 90 डिग्री बना लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का साइड से क्या करता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसलिए वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ठीक. तो अब देखिए इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल OBA नहीं सबसे पहले देखते हैं OBP इन ट्रायंगल OBP OBP इस ट्रायंगल में देखिए इस ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल OBP ये वाला ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री एंगल ये वाला है तो मतलब परपेंडिकुलर हो गया OP हाइपोटेनस हो गया OB और बेस हो गया BP. तो हम लोग लिखेंगे क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर हाइपोटेनस है OB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर परपेंडिकुलर है OP OP का स्क्वायर प्लस बेस बेस क्या है PB या फिर BP लिखे तो BP का स्क्वायर कैसे हुआ तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये टीएस मतलब थ्योरम हुआ इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब देखिए अब दूसरा ट्रायंगल में देखिए दूसरा ट्रायंगल कौन सा तो ओडी वाला ये वाला इन ट्रायंगल ओक्यूडी या फिर ओडी क्यू कुछ भी लिखिए इन ट्रायंगल ओडी क्यू इसमें हाइपोटेनस क्या है ओडी है तो लिखेंगे क्या OD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है OQ है OQ का स्क्वायर प्लस बेस क्या है इसमें DQ है तो DQ का स्क्वायर ये भी कैसे हुआ तो सेम रीजन पाइथागोरस थ्योरम इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा बच गया OAP इन ट्रायंगल ओ ए पी हाइपोटेनस क्या है ओ ए ओ
OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर इसमें ओपी है तो ओपी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है एपी एपी का स्क्वायर रीजन क्या होगा सेम पाइथागोरस थ्योरम इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 4 उसके लिए तुम्हें टाइम पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल अब कौन सा बचा हम लोग का ये ना OCQ ये वाला ट्रायंगल बचा इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल OCQ इसमें क्या है हाइपोटेनस क्या है OC तो OC का स्क्वायर प्लस OQ परपेंडिकुलर है OC का स्क्वायर इक्वल टू ना OQ का स्क्वायर प्लस और क्या है OQ का स्क्वायर परपेंडिकुलर QC का बेस है मतलब QC का स्क्वायर रीजन क्या होगा वही पाइथागोरस थ्योरम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके अब ऊपर रेस करते हैं थोड़ा सा इसको रेस कर दीजिए। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे क्यों ऐड करेंगे इसमें यहाँ देखिए जो हम लोग को प्रूफ करना है उसमें क्या है OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर है इससे अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो देखिए हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग को प्रूफ करना है वो आ जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर हम लोग को आ जाएगा तो हम लोग को जो टू प्रूफ जो हम लोग को प्रूफ करना है उसको देख के हम लोग यहाँ पे गेस करते हैं क्या कि हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है ऐड करना है तो लिखेंगे हम लोग एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड पहला और दूसरा कुछ ऐड करें तो क्या मिलेगा हम लोग को OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का लिखे अब लिखेंगे राइट हैंड साइड का OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर ठीक ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो माने थे उसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि स्पेस कम है थर्ड और फोर्थ को रहने देंगे उसका काम पड़ेगा अभी। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे इधर का तो सेम ही रह जाएगा OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर भी रह जाएगा OD। अभी देखिए OP का स्क्वायर OP कहाँ पे है आपका मेरे पास OP का स्क्वायर तो यही रह जाएगा OP का स्क्वायर तो OP का स्क्वायर रह जाएगा लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए तो BP का स्क्वायर है ये जो BP है ये किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो उसका जो साइड्स होता है एक दूसरे के इक्वल होता है तो हम लोग यहाँ पे BP के जगह QC लिख सकते हैं क्यों क्योंकि रेक्टेंगल है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे QC का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर तो वही रह जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब DU के जगह इसके जगह DQ के जगह क्या हम लोग AP का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि ये भी तो एक ट्रायंगल बन गया हम लोग यहाँ पे एक चीज नहीं लिखे थे शुरू में ही हम लोग को लिखना था जो हम लोग का प्रूफ में लिखे थे ना कि ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों ये क्या बन जाएगा ट्रायंगल बन जाएगा वहां पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा ये क्या बन जाएगा BP QC क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा और सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा AP QD भी है रेक्टेंगल बन जाएगा वहां पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा ठीक। अब DP की जगह हम लोग AP लिख सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है एक ट्रायंगल है रेक्टेंगल है ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल रेक्टेंगल है तो उसका साइड अपोजिट साइड क्या होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। तो अब देखिए OP का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग साथ में कर दे OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर और प्लस QC का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर साथ में कर दे। अब देखिए तो OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर क्या है OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर क्या है OA का स्क्वायर है और QC प्लस OQ का स्क्वायर किसका है QC प्लस OP का स्क्वायर किसका है OC के स्क्वायर के इक्वल है। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ये कहाँ से आया आप लोगों को समझ में आया देखिए तो हम लोग को अब जो चाहिए था वही आ गया OB का स्क्वायर प्लस OD जो लोगों को प्रूफ करना था वही आ गया जो लोगों को प्रूफ करना था वो आ गया क्या था बहुत ही आसान था बस हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किए थे ताकि हम लोग उसको रेक्टेंगल प्रूफ कर सके जब ये इसके पैरेलल हो गया
तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, और जब ये एक रेक्टेंगल हो गया तो इसका ये जो एंगल बनाएगा वो लाइन एंगल कैसा होना है, 90 डिग्री बनाएगा। और जब एंगल 90 डिग्री होता है सारा, यहाँ भी 90 हुआ, यहाँ भी 90 हुआ, यहाँ भी 90 हुआ, यहाँ भी 90 हुआ, तो वो क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो उसी से हम लोग का वहीं पे जो एक चीज हमारा छूट गया था, हम नहीं लिखे, वो क्या हो जाएगा वहां पे लिख ऐड कर देना आप लोग प्रूफ में, जब पैरेलल लिखे कंस्ट्रक्शन करने का प्रूफ में, जब हम लोग लिखे कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है, वहां पे हम लोग को ऐड कर देना है क्या कि ये पी पी वी क्यू सी एक रेक्टेंगल है, और सिमिलरली ए पी डी क्यू बी ए बी क्यू डी भी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 14 अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा लाइक करना ना भूले, और क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर मैं बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। आपने पूरा वीडियो देख लिया, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।